परसेंट्स ऑफ मासेस कितना, 55 और 56 kg, हाँ 55 और 65 kg। ये भैया 55 के हैं और ये जो है आर द ऑपोजिट एंड्स ऑफ ए बोट। ये हो गया बोट, लेंथ ऑफ द बोट है 3 मीटर और वेट कितना है 100 kg, तो बीच में अप्लाई होगा। यस और नो? 55 kg मैन वॉक्स अप टू द 65 kg मैन एंड सिट्स विद हिम इफ द बोट इज स्टिल इन वाटर बाय द सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स बाय। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पे जो है x इक्वल टू 0 ले लीजिए, क्या ले लीजिए, x इक्वल टू 0 ले लिए, क्लियर है क्या, है ना। अब जो है देखिए ध्यान से, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसीलिए सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, और इनिशियली जो है सब रेस्ट पे था तो सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है। तो v इक्वल्स u प्लस at, u भी 0, a भी 0, तो v भी 0, तो कुछ कुछ है ही नहीं, s भी 0, डिस्प्लेसमेंट भी सेंटर ऑफ मास का 0 ही होगा। तो मान लीजिए कि ये जो बोट है 3 मीटर का, कितना 3 मीटर का, तो ये 1.5 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया। मानिए कि बोट जो है आगे चला गया, कितना x डिस्टेंस, कितना। अब ये जो है ये 100 kg जो है ये तो 1.5 पे ही है, क्लियर है क्या, यहां से 1.5, यस और नो। और ये 55 प्लस 65 दैट इज 120 kg, ये हो गया यहां से लेकर के 3, यस और नो। सेंटर ऑफ मास जो है पहले का और दूसरे का सेम होना चाहिए, तो 55 × 0 पहले का निकाल रहे हैं, प्लस 100 × 1.5 प्लस 65 × 3 डिवाइडेड बाय 55 प्लस 100 प्लस 65, क्लियर है क्या। ये हो गया पहले का सेंटर ऑफ मास, दूसरे वाला का कीजिए 100 × x + 1.5 प्लस 120 × x + 3, ये 3 है और ये ऑलरेडी x है, तो x प्लस 3 हुआ ना, डिवाइडेड बाय 100 + 120, ये तो आराम से कट गया, दोनों का टोटल मास तो सेम ही है ना सिस्टम का। तो अब क्या हो जाएगा, कर लीजिए तो कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 55, ये तो 0 है तो 0 ही हो गया, तो ये कितना हो गया 100 × ये हो गया 150 + 195 = 220x + 150 + 360, क्लियर है क्या, 150 150 चला गया। ठीक है, x कितना हो जाएगा, ये आया था लास्ट में 195 = 220x + 360, x हो जाएगा 195 - 360/220, 165 / 220 - यस और नो। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये 1 से कम है लेकिन 0 नहीं है, एक ही है, क्लियर है क्या। ओ एक मिनट, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट्स बाय, एक मिनट, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, ये तो पूरा कैलकुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं था, सीधा 0, सेंटर ऑफ मास तो शिफ्ट ही नहीं करेगा, हमको लग रहा है कि बोट शिफ्ट्स बाय, बोट नहीं, बोट शिफ्ट करेगा, बोट शिफ्ट करेगा कितने से, एक्स 165 / 360 / 220 से बोट शिफ्ट करेगा, क्लियर है क्या। ये हो गया x, ठीक है, यस और नो। लेकिन सेंटर ऑफ मास तो हमको पहले से ही पता है भैया, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, 0, सेंटर ऑफ मास विल नेवर चेंज, क्योंकि आप बाहर से कुछ एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं, क्लियर है क्या, पूरा क्वेश्चन हम पढ़े नहीं, ठीक है।
ये तो एक्चुअली तो आंसर बहुत सिंपल है, क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? टेंशन